हेलो एवरीवन, मैं अपूर्वा शर्मा और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बनाऊंगी टूटी फ्रूटी। वैसे तो टूटी फ्रूटी कच्चे पपीते से बनती है, पर मैं आज बनाऊंगी तरबूज के छिलकों से। ये टूटी फ्रूटी आप कभी भी केक में डाल सकते हैं या फिर आइसक्रीम में भी इसे डाल सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। जब हम इतनी अच्छी टूटी फ्रूटी घर में बनाएं, तो फिर मार्केट से कौन लेने जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने तरबूज के छिलके लिए हैं। ये एक बड़ा सा तरबूज था, तो उसी के मैंने छिलके लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ये ऊपर का रेड पार्ट हटा दूँगी। बीच में से एक पतली लेयर कट कर लेंगे, ताकि इनके छिलके हटाने में हमें आसानी। पीछे का जो ग्रीन पार्ट है, उसे भी हटा देंगे और सभी को हम इसी तरह छिलकर तैयार कर लेंगे। सभी के हमने छिलके हटा दिए हैं और अभी हम कट करेंगे इनके छोटे छोटे पीसेज। तो इस तरह से हमें सभी के छोटे छोटे पीसेज कट करके तैयार करने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पीसेज कट किए हैं, और अभी मैं रखूँगी इनको उबालने के लिए। गैस पर मैंने आधी भगोनी पानी की गर्म होने के लिए रखी है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी पानी उबाल सकते हैं। पानी में उबाल आ गया है, हम इसमें डालेंगे जो हमने तरबूज के छिलके कट किए थे। वो हम इसे एक बार ऊपर नीचे करेंगे। तो हम पानी में करीब 8 से 10 मिनट उबालेंगे। उबलने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये उबलनी शुरू हो गई है, और ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है। ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई है, और अभी मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम बंद। और अभी हम इसे एक छलनी से छान लेंगे। इसका पानी अच्छे से निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है। और अभी हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो हमने एक गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है, और अभी हम इसमें डालेंगे करीब 1.5 गिलास पानी। साथ ही हम डाल देंगे 1 बाउल चीनी की, और चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, और अभी हम डाल देंगे तरबूज के छिलके जो हमने उबाल कर रखे हैं, और इन्हें अच्छे से चलाते हुए करीब 8 से 10 मिनट इन्हें पकाएंगे। 8 मिनट के लिए हम इसे शुगर सिरप में पकाएंगे। शुगर सिरप की हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें इसे थोड़ा गाढ़ा करना है। 8 मिनट हो गई है, और आप देख सकते हैं चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। हमें थोड़ी बस चिपचिपाहट वाली चाशनी चाहिए। और अभी लिए हैं मैंने 3 बाउल, जिसमें रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर की टूटी फ्रूटी बनाऊंगी मैं। सबसे पहले हम तीनों में टूटी फ्रूटी डाल लेते हैं। तो सभी बाउल्स में हमने टूटी फ्रूटी डाल दी है। आधी छोटी चम्मच रेड कलर डाल रही हूँ, ये फूड कलर है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम बनाएंगे ग्रीन कलर। तो हमने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के करीब ग्रीन कलर डाला है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम बनाएंगे येलो कलर। अभी मैंने आधी छोटी चम्मच के करीब येलो कलर डाला है, और हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हम इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे, ताकि इनमें अच्छा सा कलर आ जाए। इनको रखे हुए करीब 3 घंटे हो गए हैं, और आप देख सकते हैं इन सभी में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अभी हम इन्हें सुखाने के लिए रखेंगे। मैंने ली है एक ट्रे, और इस पर मैंने लगा लिया है फॉइल पेपर। तो आप देख सकते हैं ट्रे को मैंने सभी तरफ से फॉइल पेपर से रैपिंग कर दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी हम सूखने के लिए सभी टूटी फ्रूटी को ट्रे में लगाएंगे।
तो सभी टूटी फ्रूटी को हमने ट्रे में लगा दिया है और अब हम इन्हें धूप में लगाएंगे। तेज़ धूप होगी तो ये एक दिन में ही सूखकर तैयार हो जाएगी, नहीं तो हमें दूसरे दिन भी इसे धूप में लगानी होगी। शुगर सिरप बची हुई है, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनका हम बनाएंगे शरबत। तो बहुत ही अच्छी सी यमी सी टूटी फ्रूटी हमारी देखिए बनकर तैयार हो गई है। इनमें बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो गाइस देखिए, दो दिन के अंदर टूटी फूटी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है, तीनों ही कलर बहुत ही अच्छे हैं।